गुजरात से, जहां बीजेपी के पूर्व सांसद और अभिनेता प्रवेश रावल अपने बयान को लेकर लोगों के आलोचनाओं का शिकार हो गए। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव के लिए मंगलवार को प्रचार करने पहुंचे प्रवेश रावल ने रोहिंग्या मुस्लिमों और बांग्लादेशियों का जिक्र करते हुए ऐसे विवादित बयान दे डाले, जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा भड़क गया। अपने बयान पर उठते बवाल के बाद प्रवेश रावल ने तुरंत यू टर्न लेते हुए सफाई देते हुए माफी मांग ली। दरअसल उन्होंने वलसाड में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि सस्ते गैस सिलेंडर का क्या करोगे, रोहिंग्या मुस्लिमों और बांग्लादेशियों के लिए मछली पकाओगे। वहीं मंगलवार को प्रवेश रावल ने वलसाड में गुजरात चुनाव से ठीक पहले अपने प्रचार अभियान के तौर पर एक रैली को संबोधित किया था। उन्होंने अपने बयान में कहा, गैस सिलेंडर महंगे हैं, हालांकि उनकी कीमत घट जाएगी, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, लेकिन अगर रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी आपके आसपास रहने लगे तो जैसा कि दिल्ली में रह रहे तो क्या होगा, सिलेंडर का आप तब क्या करेंगे, बांग्लादेशियों के लिए मछली पकाएंगे। एक्ट्रेस का यही बयान जब सोशल मीडिया यूजर्स तक पहुंचा तो रावल घेर लिए गए। लोगों ने उनकी तरह तरह से आलोचना की। रैली में रावल ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात के लोग महंगाई को सहन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं जिस तरह से वे गालियां देते हैं। एक्टर रावल इस रैली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि बातों ही बातों में वो विवादित बोल बोल बैठे और खुद ही निशाने पर आ गए। रावल ने कहा वो यहाँ प्राइवेट प्लेन से आते हैं और फिर रिक्शे में बैठकर दिखावा करते हुए जाते हैं। हमने एक्टिंग में सारी उम्र गुजार दी, लेकिन ऐसी नौटंकी कभी नहीं देखी। उन्होंने यह भी कहा केजरीवाल ने हिंदुओं को खूब गालियां दी, उन्होंने शाहीन बाग में बिरयानी तक परोसी थी। परेश रावल के विवादित बयान को कई यूजर्स ने बंगालियों पर हमला और अभद्र भाषा बताया। बता दें कि सोशल मीडिया पर भड़के गुस्से के बाद आज परेश रावल ने एक माफीनामा लिखा और कहा कि उनका बयान अवैध बांग्लादेशियों पर आधारित था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, बेशक मछली कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि गुजराती आमतौर पर मछली पकाते और खाते हैं, लेकिन बंगालियों से मेरा तात्पर्य अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से था। लेकिन फिर भी अगर मैंने आपकी भावनाओं और जज्बातों को ठेस पहुंचाई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। अरे तुम्हारे वो भाई गैस नो बाटो मोंगो छो तो सस्तो थई जशे, मोंगवाई ऊपर गई छे तो नीचे आवशे, रोजगार पण लोकोने मळशे, पण आ बधुं मळशे पण तमारी आजूबाजू जे બાંગ્લાદેશીઓને રોહિંગ્યા રહેતા હશે દિલ્હીની જેમ, ત્યારે તમે શું કરશો? આ ગેસ ના બાટલામાં તમે શું પેલા બંગાળીઓની ફિશ પકાવશો? શું કરશો તમે? એટલે આ વસ્તુઓ સમજવાની જરૂર છે ભાઈ શ્રી કેજરીવાલ। પેલા તો રામમાં શું છે, કોણ રામ? રામનું પેલા તમે પ્રમાણ લાવો, રામનું બર્થ સર્ટિફિકેટ લાવો, રામનું પેન કાર્ડ લાવો, આ બધું કરતા હતા। પછી એમને કહું કે હું તો ભાઈ અયોધ્યા મને સ્પેશિયલ ટ્રેનો કાઢવાનો છું। ઢોંગીની તમે ક્યાં પહોંચો, કેટલે પહોંચો તમે? તો આવા માણસોથી ચેતતા રહેજો, કારણ કે આ એવું મોટું દુષણ આવી જશે તમને ખબર પણ નહીં પડે અને બાજુમાં ઘર થઈ જશે, એટલું યાદ રાખજો। આ બધી વસ્તુથી બચવાની જરૂર છે। મોંઘવારી તો એકવાર તમે સહન કરી લેશો અને ગુજરાત તો માણસ સહન કરી લે, પણ આ તમે સહન નહીં કરી શકો, તમને ખબર નહીં પડે આ ઉધઈ તમને ક્યાંથી કરડી જશે। એટલે હું તમને આ ચેતવવા જ આવ્યો છું, અને આ જે વસ્તુ મેં કહી છે દરેકે દરેક વસ્તુ સાચી છે, કેજરીવાલ જેવી ખોટી નથી। આ વસ્તુઓ સમજવાની જરૂર છે, અને જે ગાળો ભાંડે છે આ લોકો, એમાં એમના એક ભાઈ છે એને તો મોઢા ઉપર ડાયપર પહેરવાની જરૂર છે, બાળો ક્યાં પહેરવાની જરૂર છે? એ માણસ જે પ્રમાણે બેફામ બોલે છે,